मैं आपको शुरू में बताया कि जब कभी आप सच्चे इश्क मुस्तफ़ा में निकलेंगे ना, सच्ची मोहब्बत हुजूर से, और हुजूर ने जो अहले बैत से मोहब्बत की है वो सच्ची मोहब्बत की बात करेंगे। जब आप अली, फातिमा, हसन, हुसैन और अबू बकर, उस्मान और दीगर सहाबा, जब दोनों से मोहब्बत की बात करेंगे और इनके दुश्मनों से आप नाराज़ होंगे, बोलेंगे कि जो अली के ख़िलाफ़ तलवार उठाया उससे मैं नाराज़ हूँ जी, जो अली को कत्ल करने की कोशिश किया मैं उससे नाराज़ हूँ, जो इमाम हसन को जहर दिया मैं उससे बग़्ज़ रखता हूँ, जो इमाम हुसैन को कत्ल करने की वसीयत किया और जो कत्ल किया दोनों से मैं नाराज़ हूँ। जब आप ये बात करते हैं तो याद रखो, आप भी देखें महल्ले में और मुल्लाओं में आप अकेले हो जाएंगे, और जिस दिन आप अकेले हो जाएंगे ना, उस वक्त फख्र से सर उठाकर कहना, हाँ ऐ अल्लाह देख ले आज मैं भी अकेला हो गया हूँ, सदका है उस हुसैन का जो करबला में अकेला हो गया था। अल्लाहु अकबर। पैसा उधर है, तादाद उधर है, मुल्ला उधर है, मस्जिद उधर है, मिंबर उधर है, मेरे पास क्या है? मेरे पास हुब्बे अहले बैत है, मेरे पास हुसैन है। लोगों झुकना नहीं, क्योंकि मेरा हुसैन कभी झुका नहीं। अल्लाहु अकबर। सामने पैसा था, यजीद के पास पैसा था, ताकत थी, लश्कर था, हुकूमत थी, मुल्ले थे, मुफ्तियां थे, राबियां थे, सब कुछ उसके पास था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 110-120 लोग के साथ बेआबो गिया रेत के मकाम पे कर्बला में अकेले ठहरे हैं, अकेले ठहरे हैं। वो 120 में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं जी, बेहतियार है।